हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी पहली वीडियो है और आज मैं आपको स्क्वायर की यानी कि वर्ग की एक ट्रिक सिखाने वाला हूँ, जिससे आप बहुत ही कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और वर्ग किसी भी संख्या का, ए टू जेड किसी भी संख्या का वर्ग आप निकाल सकते हैं। देखिए, उसके लिए आपको 10 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, 10 तक तो आप बहुत आसानी से कर ही लेंगे, याद ही होंगे अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए शुरू करते हैं। हम कोई सी भी संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने संख्या ले ली 32 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो हमें करना क्या है, आपको दिख रहा है ये 2 डिजिट है, तो आपको सबसे पहले इस वाले डिजिट का स्क्वायर करना है, यूनिट डिजिट का। 2 2 जा 4 आपने लिख लिया, देन आपको क्या करना है, इन तीनों के आपस में मल्टीप्लाई करनी है। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 का आ गया कैरी, 2 कैरी हो गया 1, और आपको क्या करना है, 3 का स्क्वायर, तो 3 3 जा 9, 9 और 1 10। तो आपने क्या देखा, आपने देखा ये हमारा आंसर आ चुका है। चलिए अब हम आगे कुछ और क्वेश्चंस भी देखते हैं। देखिए, आपको कुछ लोगों ने बताया होगा कि जब 5 एंड में हो, यूनिट डिजिट 5 हो, तो उसकी आप लोग अलग से एक ट्रिक याद करते हैं। वो ट्रिक क्या होती है, आपको करना क्या होता है कि 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, आप ऐसे कैरी करके लिख लो, और जो आपका ये डिजिट है 7, इसमें क्या करो, 1 प्लस करके 7, 7 प्लस 1 प्लस करके मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 7 8 जा 56, ये आपने यहाँ लिख दिया और ये आपका आंसर हो गया। लेकिन मैं आपसे फिर भी कहूँगा कि 10-10 ट्रिक याद करने से अच्छा है आप एक ही ट्रिक याद करें। देखिए, इसी को हम वैसे कैसे करते हैं, 75 है जो हमारा मेथड है, हम उसी से करते हैं। तो 5 5 जा 25 का 5, कैरी हो गया 2, 7 5 जा 35, 35 2 जा 70, 70 और 2 72, कैरी हो गया 7। अब हमें क्या करना है, 7 का स्क्वायर करना है, 7 7 जा 49, 49 और 7 कितने होते हैं आपके पास, 56। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा आंसर सेम आ गया है, तो ये हमारा आंसर है। आई होप आपने ये ट्रिक आसान लगी होगी, आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगले किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं समझाऊं, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए।